हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। आप सबका 10th हो गया, रिजल्ट किसी का आया होगा, किसी का रिजल्ट नहीं आया होगा, कुछ लोग ऐसे ही पास हो गए होंगे, है ना। सो 10th तो हो गया। अब बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा 10th में साइंस ले लेते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो साइंस ज़िंदगी भर तुम्हारा ले लेगी, या तो तुम साइंस कर लोगे या साइंस तुम्हारा लेगी। तो दो ही ऑप्शन है, अब कौन किसका लेता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारे हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। सो सिंपल सी बात, एक बात बता दूं कि यार हम लोग अब यहाँ पे अपने इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। पूरा का पूरा सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जिसमें आप लोगों को पूरा नोट्स, एकदम वेल डिज़ाइंड नोट्स आपको मिलेगा, जो आपको कहीं भी ऑफलाइन किसी भी क्लासेस में या कहीं पर भी आप जाओ, उतने बेस्ट नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, प्लस एकदम एक एक ईच एंड एवरी पॉइंट्स, एक एक वर्ड्स का मीनिंग बताते हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। बेसिकली मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म में, कुछ वीडियोज़ मेरे थ्रू, कुछ वीडियोज़ अदर टीचर्स के थ्रू। सो कोई टेंशन की आप लोगों को बात नहीं है यहाँ पे, और सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा या कैसा लगेगा, ये ज़रूर बताना आप लोग। सो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट्स की शेयर करा दूँ आप लोगों को, हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसके इसका मैंने पूरा नोट्स यहाँ पे क्रिएट किया है। तो पहले इसकी शेयर करा देते हैं भाई कि ये नोट्स एग्जैक्टली कैसे हैं, तो आपको एक बार अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम में। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आप लोग को टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, और वहाँ पर इसकी नोट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा, और इस नोट्स को आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया सा डाउनलोड कर लेना है। गाइज, इन नोट्स को बनाने के लिए करीबन 4 to 6 hours, 9 hours तक का भी टाइम जाता है, तो बस मैंने क्रिएट किया है आप सबके लिए, ऐसे सारे चैप्टर के प्रोवाइड करूंगा, तो कोई भी आप लोगों को टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बताऊंगा। इस नोट्स को अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया, सिर्फ अगर आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपका काम 25 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप सब चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम में। और बाकी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो गाइस सबसे पहले बताता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। आप लोग ने 9th में कुछ पढ़ा था साइंस में, आप लोगों ने कुछ 10th में पढ़ा था साइंस में, है ना। अब आप 11th में आ चुके हो, 9th और 10th एक बच्चा है और 11th एक बड़ी सी शेर है, मतलब अचानक से आपको छोटे से स्टेप से एक बड़े से स्टेप में जाना पड़ता है, समझ रहे हो। एक छोटे से स्टेप से आपको एक बड़े से स्टेप में आपको जाना पड़ता है, उसके लिए आपको पूरा बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होगा साइंस में तो आपकी वाट लग जाएगी। और एक सजेशन सबसे पहले आपको दे दूं मैं कि आप लोगों को रोज की रोज स्टडी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं लेक्चर्स ले रहा हूं तो आज जो मैंने पढ़ाया वो आज के आज ही खत्म करना पड़ेगा, वरना वो बोझ बन जाएगा। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको प्रीवियस टॉपिक नहीं समझा तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझेगा ही नहीं कभी भी। तो साइंस में एक बात को हमेशा याद रखना कि रोज की स्टडी अपनी रोज करनी है, और आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसको अगले लेक्चर का पढ़ने से पहले आपको इसको रिवाइज कर लेना है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक अच्छे बच्चे और टॉपर बनने की एक पहचान होती है। सो लेट्स बिगिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पूरे केमिस्ट्री का बेसिक्स देखने वाले हैं, अपना जो 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, पूरा बेसिक्स है इस चैप्टर में। आपके 11th क्लास के जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, इसमें यही सब बेसिक्स डाल के रखा है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला चैप्टर समझ जाएगा और सेकंड चैप्टर भी सेम कुछ ऐसा ही है। तो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर समझो बेस है पूरे इस केमिस्ट्री का। ये दोनों चैप्टर आ गए ना, फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान देना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको सबको पता ही है कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो देना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज केमिस्ट्री, सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। आप बोलोगे हैं मैटर क्या होता है भाई, मैटर तो दिखता नहीं है, किधर है मैटर। मैं कहता हूं कौन कहता है मैटर नहीं दिखता, मैटर दिखता है। ये एक पेंसिल है, ये किससे बनी हुई है, ये मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर
कुछ भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स है वही इसका मैटर है। यानी व्हाट इज मैटर? मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको, इस पेंसिल को हवा में ऐसे रख दिया, तो ये एक अपने शेप के बराबर का एक स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेगा ना, फिर मैं उस शेप में कुछ और सब ऑब्जेक्ट नहीं रख पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पेंसिल यहाँ रख दिया, तो अब इतने से शेप में इसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, अब मैं इसके जगह में, इस दुनिया में इसके जगह में कुछ नहीं रख सकता। तो यानी कि मैटर एक ऐसा चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और इसी मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं बस, और कुछ नहीं करते केमिस्ट्री में, सिर्फ मैटर की स्टडी। मैटर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, प्लाज्मा एक और स्टेट है, आगे डिस्कस करूंगा, वो भी हो सकता है। तो कोई भी स्टेट में हमारा मैटर हो सकता है, हाँ, बस वही चीज मैटर है जो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो ये हमारा मैटर कहलाता है। अच्छा, आप बताओ, अगर ये पेंसिल है तो ये सॉलिड है ना? तो हर एक मैटर का अपना अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके साथ साथ ये इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये चेंज भी होती है। तो आप लोगों ने क्लास 10th के साइंस 1 में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, है ना? तो हम सबको पता है कि दुनिया में मैटर के अलावा तो कुछ है नहीं। एक पत्थर भी है तो वो भी सॉलिड मैटर है, अगर एक कपड़ा भी है तो ये भी सॉलिड मैटर है, पेंसिल सॉलिड है, वाटर ड्रिंक सब लिक्विड है, गैस गैस है, ऑक्सीजन लेते हो तो ये सब गैस है ना? तो दुनिया में सब कुछ मैटर ही तो है, और मैटर का फिजिकल एंड केमिकल स्टेट होता है, तो ये चेंज भी होते हैं, है ना? जैसे कि फिजिकल स्टेट की बात करूं तो ये सॉलिड है, ये इसका फिजिकल स्टेट है पेंसिल का। केमिकल स्टेट की बात करूं तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल किस तरीके से इंटरैक्टेड हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना? तो ये सब कुछ हो जाता है इस तरीके से। तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती भी हैं। क्या होती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? चेंज भी होती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, तो मैटर में क्या करेंगे? वहां डांस थोड़ी करेंगे। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। कौन सी कंडीशन पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी कंडीशन पे कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी मैटर की चेंज होती है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सब की स्टडी करना ही केमिस्ट्री है। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? इट इज द मैटर एंड इट्स फिजिकल, देखो, द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इन सब की स्टडी करना ही हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। एक बार रीड करो, समझ में आ जाएगा। मैंने इस डेफिनेशन को सोचा कि मैं लाइन से पूरा लिख दूं, बट मैंने सोचा नहीं, अगर पॉइंट वाइज ऐसे थोड़ा सा दिखा के लिखूंगा तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। बाकी आपको एग्जाम में सीधा ही लिखना है पूरा, ऐसे एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है? आपको मैं समझने के लिए ऐसा लिखा हूं। चलो, तो केमिस्ट्री समझ गई, ओके। और बात करते हैं डिटेल में, केमिस्ट्री क्या है, इसकी औकात क्या है, ये जानेंगे पहले। चलो, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, मेरे शरीर में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, मेरे ब्रेन में न्यूरल सिस्टम काम करता है। हम कितनी भी बायोलॉजी पढ़ लें, हमारे शरीर में हम कितनी भी बायोलॉजी पढ़ लें, जब हम एकदम अंदर 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 जाते हैं सेल के अंदर, उसके इंट्रैक्शन, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अंदर केमिस्ट्री भरी पड़ी है। हमने खाना खाया, हमारे अंदर खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गए, प्रोटीन मिल गई, लिपिड मिल गई, ये क्या है? ये केमिस्ट्री है, समझा? यानी कि हमारे पूरे बॉडी में केमिस्ट्री है। हमारी स्किन किससे बनी हुई है? तो हमारे स्किन में मेलानिन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मेलानिन? केमिकल कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, फाइबर्स, वाटर मॉलिक्यूल, ब्लड, ईच एंड एवरीथिंग केमिकल मॉलिक्यूल से क्रिएटेड है। तो बायोलॉजी ही केमिस्ट्री है। चलो, इसके अंदर आते हैं। ये आप कहोगे, अगर इसको सर फेंकता हूं तो ये मोशन करेगा, दिस इज फिजिक्स। बट फेक किसके रहे हो? इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसा है, तो ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। केमिस्ट्री आज के वक्त में हर एक लेबोरेटरीज, लैब साइंस, फॉरेंसिक साइंस एंड उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में
अलग अलग जगह पे केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा एकदम यूज हो रहा है आज के वक्त में, हर एक मेडिकल फील्ड में, हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, हर एक दवाई ड्रग्स ईच एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह केमिस्ट्री है। खाना खाते हो उसमें कार्बन है, कार्बन से रिलेटेड सब कुछ केमिस्ट्री में आता है, सब कुछ केमिस्ट्री है। तो साइंस में कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग मत समझना, ये तीनों का कंबाइन है। हाँ, आपको समझने में देरी जरूर लगेगी कि फिजिक्स कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है, देरी जरूर लगेगी, लेकिन आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स सब एक साथ है, एक दूसरे के रिलेशन में है। हालांकि वो टीचर आपको वैसा ना बताए, बट यस मैं तो बता के चलूंगा सब कुछ का रिलेशन कैसे होता है। और इसीलिए फिर कहते हैं कि कोई एक बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो साथ में कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है यार कि सबका रिलेशन एक साथ होता है। तो केमिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना गाइस। अब आपको बता दूं कि केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है, इसीलिए केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हर जगह है, ईच एंड एवरीवेयर हर जगह केमिस्ट्री है, हर जगह। आज के वक्त में दुनिया में हर एक रिसर्च सेंटर में केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीवेयर केमिस्ट्री है, इसीलिए इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ऐसी कौन सी जगह है जहां केमिस्ट्री अप्लाई ना हो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री की। आपकी बुक में पैराग्राफ है एक नेचर ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट पेज में, जाके एक बार पढ़ना उसको, क्या वहां पे समझता है आपको एक बार देख लेना, नहीं समझता होगा तो फिर यहां पे एंट्री मारना, फिर आपको समझेगा कि वो पैराग्राफ में कितना जंबल करके चीजें दी हैं और यहाँ पे मैंने कितना आसान तरीके से आपको यहाँ पे बता के रखा है, कितना आसान तरीके से आपको यहाँ पे सब समझा रखा है। तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री में हम पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है। केमिस्ट्री बेसिकली कुछ टाइप्स की है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम ये सारी केमिस्ट्रियाँ अपने इस 11th क्लास में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा 12th तक, फिजिकल केमिस्ट्री आपका 11th में भी है, 12th में भी है, कुछ चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो भी है। बायोकेमिस्ट्री जो है आपकी, बायोकेमिस्ट्री आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, 11th में भी कुछ कुछ टॉपिक्स में पढ़ोगे, लास्ट के टॉपिक्स में। और एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये नेचर ऑफ केमिस्ट्री एग्जाम में 2 मार्क्स को यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो आप बता देना कि देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एग्जैक्टली यार हम इन केमिस्ट्रियों में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उधर भांगड़ा करते हैं, क्या करते हैं, चलो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि इन केमिस्ट्रियों में हम क्या करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे ही ऑर्गेनिक का नाम आता है तो कार्बन दिमाग में जरूर आता होगा, साइंस 1 क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, सबने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आएगा मजा, अब आपको समझेगा कि केमिस्ट्री में आपका कार्बन कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट था। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब समझ में आएगा, याद रहे उसी टीचर से पढ़ना जिसने 10th 9th सब पढ़ा के रखा होगा, उसको तभी मजा आएगा आपको, वरना वो तो फिर 11th के मूड में आपको लेके रखेगा और आप रोते रहोगे कि हमको समझता नहीं है ये वो, मम्मी मारो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले बात करते हैं कि क्या है। इट इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स और कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर नंबर 9 में था साइंस 1 में, उसमें जो जो हमने पढ़ा था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन ईथर, ईस्टर, ये सब जो हमने पढ़ा था, है ना, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, उसके आईपैक नेम, देयर रिएक्शंस, तो ये जो भी हमने पढ़ा था, ये सब की स्टडी करना ही हम क्या किस में करते हैं, इन सब की स्टडी, इन सब की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मीथेन, इथेन, ये सब की स्टडी करना, इनके अंदर के केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब कुछ की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। व्हाट इज इनऑर्गेनिक, कितना सिंपल है ना एकदम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो पढ़ते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, यानी कि स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल लाइक NaCl, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दीज ऑल आर द आयोनिक कंपाउंड एक्सेप्ट CO2, बट स्टिल CO2 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान देना। आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। तो साइंस 1 में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्या पढ़ा है उसमें, उसमें यही पढ़ा था ना
कि एलिमेंट 118 होते हैं, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर एंड फिर डोबे रनर, तो वो सब अभी कोई काम का नहीं है। वो डोबे रनर, वो न्यूलैंड, वो मेंडलीव, ये सब को छोड़ो, मारो गोली ढाए ढाए ढाए। अब यहाँ ध्यान दो, तो उसका एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ा था, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पढ़ा था, है ना, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा था, उनकी मतलब उनकी प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती हैं ये सब पढ़ा था। तो ये सब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, है ना। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, एटम कैसा है, सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में, जो आप लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ोगे। तो ये सब आपके इस बुक में दिया है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स को आता है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइन केमिस्ट्री, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे केमिस्ट्री चलती है, और मैटर की प्रॉपर्टियों के बारे में हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बात आती है बायो केमिस्ट्री की। वो लोग कहते हैं ना कि केमिस्ट्री पढ़ के और डॉक्टर नहीं बनना, ये अजीब सा लगता है कि केमिस्ट्री तो डॉक्टरों का भगवान है समझो, क्योंकि हर एक दवाई में केमिस्ट्री है यार। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस को विद इन एंड रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम एक इंसान है तो हमारे अंदर अगर कोई एक हार्मोन प्रेजेंट है या फिर कोई भी एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसकी एनालिसिस करना, इसके अंदर की स्टडी करना, ये सब हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दें कि स्किन में मेलानिन प्रेजेंट है, मेलानिन नाम का प्रोटीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, आपने क्लास 10th में साइंस 2 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा होगा, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो अगर इस स्किन में यहां पर मेलानिन प्रेजेंट है तो मेलानिन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। आपने डीएनए के अंदर पढ़ा था कि डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से बनता है, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन एंड जो भी है। तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, एडेनिन इज ऑल्सो एन केमिकल कंपाउंड, तो ये सब कैसे हैं। फिर थायमिन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। तो है तो हमारे बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर ना, बट है केमिकल कंपाउंड, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड की स्टडी करना ही हमारी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ गया अच्छे से, ध्यान रखना माइंड में। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये तो चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे, आपको अगर इसका पढ़ना तो यहाँ पे देख लो। मतलब वही, जैसे कि कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर का आइडेंटिफिकेशन करना, सेपरेट करना, उसकी एनालिसिस करना, ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन यहीं देख लो। तो चलिए, अब नेचर ऑफ केमिस्ट्री खत्म, अब बात करते हैं मैटर। भाई वी ऑल नो दैट की केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर। तो एग्जैक्टली अब मैटर क्या है और मैटर के कितने क्लासिफिकेशन हैं, मैटर से क्या क्या बनता है। यार मैं तो पहले ही कह दिया आपको कि मैटर इज एवरीथिंग। खाना खाते वो भी एक मैटर है, पानी पीते हो मैटर है, आपकी बॉडी भी एक मैटर है, आप जो सुबह सुबह एक्सक्रीट करके आते हो वो भी मैटर है, ठीक है। तो सब कुछ मैटर है। तो व्हाट इज मैटर, मैटर वही चीज है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसको कुछ ना कुछ मास होता है। आप ही बताओ, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी रख दूं तो ये कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, और इसका मास भी तो होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका मास पक्का होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका वजन ही ना हो, उसका मास ही ना हो, ऐसा नहीं होता है भाई। मैटर का मास तो रहेगा, इस बात को आपको ध्यान देना, मैटर का मास तो रहेगा। तो यानी कि मैटर एक ऐसी चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो और हैज अ मास, उसको मास है, यानी वजन भी हो, वजन और मास अलग होता है बट स्टिल उसको मास होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। व्हाट इज मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं तो मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, तो मेरे अंदर मैटर क्या है, मेरे अंदर का ब्लड, मेरे अंदर के सेल्स, मेरे अंदर की बोन्स, मेरे ऑर्गन्स के टिश्यूज, ये सब मेरे मैटर हैं। तो अब जरा बताओ, इस मैटर को अगर मैं उठा के मून में रख दूंगा तो क्या ये मैटर चेंज होगा, नहीं, ये मैटर तो मेरे पास रहेगा ना। मैं मून चला जाऊंगा तो क्या मेरी एक हड्डी गायब हो जाएगी, मेरा एक सेल गायब हो जाएगा क्या, नहीं। तो ये सब मेरा मैटर है। अब जो मेरा हड्डी अंदर थी, वो हड्डी का जो वेट है यहाँ पे, तो अर्थ में जितना उसका मैटर है, मैटर का जब आप मेजर करोगे जितना अर्थ में रहेगा उतना ही मून में भी रहेगा ना। यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या कि जो मेरे अंदर का मैटर है वो यहाँ पे मान लो 10 है और मून में जाके 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैटर उतना का उतना ही रहता है, समझा अच्छे से। हाँ, भले मैटर का स्टेट बदल जाए, अगर बोन्स मेरी सॉलिड फॉर्म में है और उसको बर्न करके जला दोगे तो वो फिर आग बन जाएगी, यानी एनर्जी बन जाएगी। तो भले उसके तुमने उसके फॉर्म को ही बदल दिया बट मैटर उतना ही अमाउंट में रहता है, मैटर का अमाउंट नहीं बदलता कभी भी। ये पेंसिल में अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 100 मॉलिक्यूल ही रहेंगे मून में भी और वो 100 मॉलिक्यूल अर्थ में भी रहेंगे, वो मॉलिक्यूल कहीं नहीं खत्म होंगे। सो दैट मॉलिक्यूल इज द मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसको मास होता है।
समझा अच्छे से मैंने क्या बोला? हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखना अच्छे से। तो जो मैटर होता है, मैटर होता है, मैटर के दो टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अच्छा, बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो आपने साइंस 1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में। ये प्योर सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके कैटेगरी में आते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस में हमारे कंपाउंड्स भी होते हैं, तो व्हाट इज कंपाउंड आज हम ये भी पढ़ेंगे। फिर जो मिक्सचर है, तो मिक्सचर हमारा दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर को समझने के लिए। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। तो एग्जैक्टली अभी हम लोग यहाँ पे मैटर के जितने भी टाइप्स हैं सबके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए, आपको ये तो पता चल गया ना कि मैटर क्या है, कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। तो ये हमारा बेसिकली मतलब वो मैटर है, इस बात को ध्यान देना है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो अब इस मैटर से क्या क्या बनता है? इस मैटर से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दोनों बनते हैं। देखो, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है, बट मिक्सचर मिक्सचर है। क्या है आगे बताऊंगा, ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब आते हैं। चलो स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस में। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस? देखो भाई, प्योर सब्सटेंस वो है जिसको एकदम डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। एकदम डेफिनेट मतलब फिक्स, फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन जिसमें रहेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। एकदम फिक्स अमाउंट में केमिकल के कॉम्पोजिशन होंगे, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सोडियम NaCl जो होता है, NaCl, तो NaCl में सोडियम एंड क्लोरीन का फिक्स अमाउंट है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। समझा अच्छे से? तो हमेशा प्योर सब्सटेंसेस में एक फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको बात करूं सोडियम और हमारा एक एल्यूमिनियम, ये दोनों हमारे एलिमेंट हैं, तो ये दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मेटेलिक है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, मतलब जो हमारा सोडियम है और एलिमेंट के ओरिजिन को छोड़ो, मारो गोली, वो किधर से पैदा होते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सोडियम और एलिमेंट जो हमारा एल्यूमिनियम है, ये दोनों एलिमेंट हमारे कैसे मेटेलिक कैरेक्टर के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके कटायन बनाते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। इसीलिए प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट को भी डाल रखा है। और NaCl जो एग्जांपल दिया वो हमारा कंपाउंड है। समझा? तो दीज ऑल आर दी प्योर सब्सटेंसेस। तो इसको तुमको थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर होगी बातें? तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्योर सब्सटेंसेस में डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन में, कुछ बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है? अगर दो मॉलिक्यूल इसको डालोगे तो दो मॉलिक्यूल इसको भी डालोगे, पूरा प्रॉपर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगा। और हाँ, ये हमेशा इनको सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। बताया ना अभी, अभी अगर हमारा सोडियम एल्यूमिनियम है, या फिर हमारा जैसे कि अगर कोई भी एलिमेंट उठा लो जिनकी प्रॉपर्टियां सेम सेम हो, तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स वगैरह कहलाते हैं। हाँ, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, वो बात अलग है। तो अब बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स की, यानी प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स? अब तक तो तुमको पता भी नहीं रहा होगा इसके पहले कि एलिमेंट्स क्या होता है। 10th में पता नहीं किस टीचर से सीखे रहोगे, तो वो तुमको बताया होगा, बट नहीं पता रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम में हो। तो व्हाट इज एलिमेंट एग्जैक्टली? एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। एक एलिमेंट ऐसी चीज है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्या सर, एलिमेंट को ब्रेक करते हैं, एटम ब्रेक हो जाता है तो क्या एलिमेंट ब्रेक नहीं होगा? आगे तो सुनो मेरे छोटे छोटे लाल गोपाल, जो भी हो सुनो ध्यान से। जो एलिमेंट है, एलिमेंट को तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है और इसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो बाय सम ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से ब्रेक कर सकते हो। समझा मैंने क्या बोला? समझा? हाँ, तो सिंपल सिंपल केमिकल चेंजेस से एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में लेबोरेटरी में टेस्ट करके देन ब्रेक करना पड़ेगा। एटम को ब्रेक करते होती तो तुमने सुना होगा एटम भी ब्रेक होता है, तो एटम नॉर्मली ब्रेक कभी नहीं होता, उसके लिए कितना अमाउंट में एनर्जीज देनी पड़ती है, तब जाके एटम ब्रेक होता है। समझा अच्छे से? आपने एटॉमिक रिएक्शंस पढ़ा भी होगा Science 2 Chapter 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना? चलो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अभी जान लेंगे आगे चल के। तो याद रखना, एलिमेंट वो चीज है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सम डिफरेंट पार्ट्स बाय सम ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस से प्योर सब्सटेंस जो एलिमेंट है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। इट इज जस्ट सो सिंपल।
बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में हमारे मेटल होते हैं, तो बच्चों वाला है, आपने साइंस 1 चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी में पढ़ा था कि व्हाट इज मेटल। तो भाई मेटल एक ऐसे जिसको लस्टर होता है, लस्टर मींस चमकता है, चमकता है, चमक चमक चमक, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस, कंडक्ट करता है हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, एक ऐसा मेटल चीज जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास होते हैं, और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू वायर, मतलब ये मतलब अगर आप चाहो तो इसको पीट पीट के वायर बना लो। आपको पता ही होगी कि एक छोटी सी सोने की, अगर जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड भी एक मेटल है, तो अगर गोल्ड का इस्तेमाल करके आप लोग चाहो तो एक किलोमीटर की वायर आप बना सकते हो छोटे से गोल्ड से, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको बता दूं कि आप इसको एकदम हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब छोटे से अगर आप चाहो तो एक मेटल को पीट पीट के छोटा सा अमाउंट में आप एक शीट बना सकते हो, जो कि मैलिएबल जिसे कहते हैं, मैलिएबल मतलब जिसको आप एक पतरा जैसा शीट क्रिएट कर सकते हो पीट पीट के, वो थॉर का हैमर मार के, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी वगैरह, ये सब कुछ जो है हमारे, ये सब हमारे मेटल्स हैं, बट जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एक अलग ही है। वो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में ना अगर 10 लोग एक रास्ते से जाएंगे ना, तो इनके इनके खानदान में एक ऐसा पैदा होगा ना जो एकदम दूसरे ही रास्ते में जाएगा। समझा? तो देखो यार, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन बराबर मेटल हैं, बराबर शाइनी होते हैं, सॉलिड होते हैं, लश्चर होता है, मैलिएबल होते हैं, सब रहता है। लेकिन ये गद्दार मर्क्यूरी, ये देखो इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। भाई मेटल होके भी लिक्विड है, इसे कहते हैं गद्दारी। तो ये मर्क्यूरी गद्दार मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी में, मेटल के खानदान में गद्दार पैदा हो गया ये मर्क्यूरी। सोचो मेटल होके भी लिक्विड है, कितना गुस्सा आता होगा ना। मेटल तो हार्ड होना चाहिए लेकिन लिक्विड है, गद्दार है, गद्दार। चलो आगे देखेंगे नॉन मेटल, हर जगह एक गद्दार पाया जाता है, कौन सी दुनिया जहां एक गद्दार इंसान नहीं होता। तो नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल में कोई भी चमक नहीं होती बेचारे सीधे साधे लोग, ठीक है, मतलब इनकी एक ऐसी फैमिली है जिसमें कोई चमक नहीं है, ठीक है, मतलब बेचारे सूने सूने से गंदे गंदे घूमते रहते हैं इधर से उधर, कोई चमक ही नहीं इनमें, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन, डायमंड बोलता है मैं हूँ जियान, मैं चमकता हूँ, ठीक है, तुम्हारी पूरी टीम को मैं संभालूंगा। कौन कहता है नॉन मेटल चमकते नहीं है, मैं डायमंड हूँ और मैं नॉन मेटल होके चमकता हूँ। तो आयोडीन बोलता है मुझे कम समझते हो क्या, मैं भी चमकता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। ऐसे ही ये जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब नॉन मेटल से ना तो हीट ट्रांसफर कर सकते हो और ना ही आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें से करंट वगैरह कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को ग्रेफाइट बोलता है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ नॉन मेटल और मेरे से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। होंगे कोई और नॉन मेटल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती होगी, लेकिन मैं ग्रेफाइट हूँ और मैं नॉन मेटल होके भी मेरे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास होती है। आपने देखा होगा ग्रेफाइट के रॉड बनती है, इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, है ना, कैथोड एनोड, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। चैप्टर नंबर 8 में बेयर्स प्रोसेस में वो इलेक्ट्रो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन रिएक्शन में डब्बा बना के अंदर डंडे डाले थे चार चार, तो वो हमने देखा था ना, हाँ उसको ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट, और इससे आप वायर नहीं बना सकते। अभी आपको अगर मैं कोई भी एक आयोनिक कंपाउंड दैट इज NaCl दे दूं तो क्या उसको आप क्या ही पीटोगे, वो तो खुद ही पिटा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। फिर आगे बढ़ते हैं मेटलॉइड, बेचारे मेटलॉइड वो हैं जो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों का मिक्सचर है, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, जो मेटल के जैसे भी हैं और जो नॉन मेटल के जैसे भी हैं, दोनों की प्रॉपर्टियों को एक्वायर करते हैं, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। आपके बुक में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जब आप कंपाउंड की स्टडी करोगे तो वहां पर एक बात पता चलेगी, वहां पे लिखा होगा कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस, वो तो मैं भी जानता हूँ, बार बार वही चिल्ला रहा हूं मैं, ठीक है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट इज ऑल्सो एन प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहां पे जरा ध्यान दो, कंपाउंड जो है ये एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस, ऐसा तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा है। लेकिन भाई हम पागल हैं, हम तो सोडियम क्लोराइड को ब्रेक कर सकते हैं NaCl, विच इज कंपाउंड एंड इट कैन बी ब्रोकन डाउन, है ना। NaCl एक कंपाउंड है और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, MgCl2 एक कंपाउंड है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्या लिखा है कि प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। लेकिन याद रहे आगे के पॉइंट को जरूर पढ़ना, टेक्स्ट बुक भी करेक्ट है और जो मैंने यहां लिखा है वो भी करेक्ट है। मैंने क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय सेम सम केमिकल चेंजेस, ये मैंने लिखा है, ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन,
तो उसमें क्या लिखा है कि प्योर कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. मतलब नॉर्मल केमिकल चेंजेस से आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, बट हाँ ब्रेक कर सकते हो, इसका मतलब यही होता है. अगर आप हार्ड केमिकल चेंज करोगे, कुछ नया रिएक्शन करोगे लैबोरेटरीज में, हार्ड रिएक्शन करोगे, तो फिर कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा. बट ऑर्डिनरी केमिकल कंपाउंड नहीं तोड़ सकते. मतलब ऑर्डिनरी सिंपल रिएक्शन करके आप लोग किसी भी कंपाउंड को जल्दी ब्रेक नहीं कर सकते. और मैंने क्या लिखा है कि आप किसी भी सम केमिकल चेंजेस से किसी भी कंपाउंड को इजिली ब्रेक कर सकते हो. मैं यहाँ ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात नहीं करता. कंपाउंड टूटता है तो टूटता है बस, चाहे दो झापड़ मारने से टूटे, चाहे टच करने से टूट जाए, बट टूटेगा जरूर. होते ना कोई कोई जो पांच झापड़ मारने पे भी गधों जैसा मार खाते रहते हैं, उनको कुछ असर नहीं करता, तो वो है हार्ड वाले कंपाउंड. जिनको दो झापड़ मारने से रोने लगते हैं, वो है सिंपल वाले कंपाउंड. तो रोते तो है ना, चाहे 50 झापड़ में रोए, चाहे 2 झापड़ में रोए, चाहे ऑर्डिनरी रिएक्शन से कंपाउंड टूटे, चाहे किसी भी रिएक्शन से टूटे, बट कंपाउंड टूटता तो है ना. तो मैंने वही लिखा है कि प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय सम केमिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम एंड MgCl2. तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, यू कैन प्रिफर इट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कंपाउंड हमारे फिक्स्ड प्रपोर्शन में क्या होते हैं, ऐड होते हैं. मैंने आपको पहले ही बोला ना कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस, देखो आपको यहाँ पे दिखा दूं कि हमारा प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड अभी चल रहा है. देखो एलिमेंट और कंपाउंड चल रहा था ना, तो एलिमेंट के अंदर तीन चीजें थी, तो मैंने यहाँ पे देखो एलिमेंट के अंदर जो तीन चीजें उसको यहाँ पे साइड में लिख रखा है. और कंपाउंड हमारा क्या है, कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है. और हर एक प्योर सब्सटेंस में क्या होता है यहाँ पे कि हैविंग सम डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. और कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, तो इसको भी क्या रहेगा, एकदम कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. ये भी हमारा फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही कंबाइन होगा. अब बात करते हैं भैया मिक्सचर की, कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या चीज है. तो ये दो टाइप की होती है, होमोजीनस हेटरोजीनस. पहले तो ये जानेंगे कि ये मिक्सचर कौन सी बला है, कौन से देश दुनिया से आई है ये मिक्सचर, इसके बारे में पहले समझेंगे. ठीक है, वो कहते हैं ना कि कौन देश से आई नाम, हाँ मिक्सचर भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर यहाँ पे हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. वो है तो रहता है ना कि अगर एक सीधे रास्ते में जाएगा तो एक उल्टा रास्ते में जाएगा. तो प्योर सब्सटेंसेस को क्या होता है, एक डेफिनेट कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रपोर्शन होता है. ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो डेफिनेट प्रपोर्शन, इनके ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रॉपर्टियां होती हैं. तो मिक्सचर में क्या होगा, कोई सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी, इनको कोई डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होगा, उल्टा प्योर के उल्टा मिक्सचर. देखो मैं बताता हूं, मैं प्योर हूं, समझा, मैं प्योर हूं, और अगर मेरे साथ कोई आ गया तो मैं इम्प्योर हो जाऊंगा, मैं मिक्सचर बन जाऊंगा. अब समझा, तो अभी मैं हूं तो मैं डेफिनेट शेप डेफिनेट प्रपोर्शन में हूं, और जब मैं मिक्सचर बन जाऊंगा तो फिर मैं डेफिनेट नहीं रहूंगा ना, मैं अलग बन जाऊंगा ना, मेरे में और कुछ सिस्टम्स आ जाएंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो हाँ, तो वही है. तो व्हाट इज मिक्सचर, हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसको कोई केमिकल कंपोजिशन का कोई डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं, और इनकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा था NaCl जो था वो प्योर सब्सटेंस था, जिसमें हमने प्रॉपर कंपोजिशन किया था. बट मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि पेंट हो गया या कॉन्क्रीट. अब आपको पता है घर में जब आप घर बनवाते हो, बड़ा सा बंगला बनवाते हो, तो कंक्रीट लगता है घर बनवाने में. तो कंक्रीट क्या होती है, सैंड सीमेंट एंड वाटर, ये कंक्रीट होता है. लेकिन वो जो लेबर आते हैं मिक्स करके ले जाते हैं कंक्रीट सीमेंट वगैरह मिक्सर करते हैं, तो वो कंक्रीट है. तो क्या वो लोग मेजर करते हैं क्या कि नहीं, इतना सा सीमेंट ही डालेंगे, इतना वाटर डालेंगे, इतना सैंड डालेंगे, ऐसा कुछ फिक्स रहता है क्या, नहीं. वो तो डालते जाते हैं, डालो जितना डालना है, कंक्रीट बनने से मतलब है. तो ये हमारा होता है मिक्सचर, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिक्स करते हैं. फॉर एग्जांपल पानी में हम लोग शक्कर मिलाते, तो दिस इज द मिक्सचर, दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. हाँ, पानी अकेले का प्योर सब्सटेंस है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस. H2O जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिक्स है. हाँ, वी कैन से दैट कि ये कंपाउंड है, बट प्योर सब्सटेंस भी है. अगर एक पानी की सिर्फ बात की जाए तो ये प्योर सब्सटेंस है, बट अगर उसी पानी में कुछ और मिला दो तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रह जाता, वो मिक्सचर बन जाता है. समझा, अच्छे से ध्यान रखना. तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस. अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा व्हाट इज होमोजीनस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनस. आपने कभी दारू पिया है, मत पीना वरना बदनाम हो जाओगे. वो गाना भी आया ना कि दारू बदनाम कर दी तनर तिनारे नारे ना 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 हो. तो सुना है कि नहीं सुना है, इसको ध्यान में रखना अच्छे से. तो दारू मत पीना. तो दारू जो होती है अल्कोहल और पानी, एक है पानी एक है दारू, दोनों को मिला दो तो आपको पता चलेगा क्या कि वो जो हमारा अल्कोहल है वो अल्कोहल है,
पानी तो पूरा दारू बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर एक हाथ में शक्कर ले लो, नहीं कि वो जो पिसा हुआ शक्कर आता है घर में रखे रहते हैं ना डब्बे में, तुम्हारे रखा होगा जाके देखो किचन में, तो पिसा हुआ शक्कर होता है और हमारे पास दूसरा जो पिसा हुआ नमक होता है, दोनों का पाउडर फॉर्म, शक्कर का एंड नमक का, दोनों को मिला दो तो तुम्हें पता तो चलेगा कि दोनों ठीक है, लेकिन वो डेफिनेट प्रपोर्शन में ऐड होंगे क्या? मतलब कोई, देखो अब मैं शक्कर और नमक को अगर मिला देता हूं तो वो अच्छे से मिक्स होंगे क्या प्रॉपर तरीके से? फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे देखो, अच्छे से इसमें देखो, ये मॉलिक्यूल में देखते हैं। देखो ये वाला जो है सिंबल, ये हमारे अल्कोहल का है, ये अल्कोहल का है, और जो ये ग्रीन वाला है ये मान लो वाटर है, वाटर है। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ है कि प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हुई है, यानी कि हमारा अल्कोहल और हमारा जो यहाँ पे वाटर है वो दोनों प्रॉपर प्रपोर्शन में मिक्सचर हुए हैं, यानी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रपोर्शन में यहाँ पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पे हुआ है सारी चीजों का। जो कंपोज हुए हैं दोनों वो यूनिफॉर्म तरीके से हुए, एक बन गए हैं, अलग अलग नहीं है वो, दोनों एक बन गए हैं। मतलब जब आप पानी को अल्कोहल में मिला के पियोगे ना तो आपको दारू ही लगेगा, वो एक बन चुके हैं, समझा? एक कंपोज हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया है। बट हेट्रोजीनस में जब आप नमक और शक्कर को मिला के खाओगे बिना तो आपको नमक और शक्कर अलग अलग टेस्ट दिखेगा और वो डिफरेंट, मतलब प्रॉपर नहीं वो मिक्स होंगे। जैसे कि हो सकता है कि ऊपर शक्कर रहे और नीचे आपका मतलब नमक आ जाए, या फिर ऊपर नमक या नीचे शक्कर, या कुछ ना कुछ तो लेयरिंग जैसे बन जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनस। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, जो मिक्स होने के बाद भी सेम ना हो सके, वो डिफरेंट रहें, वो है हेट्रोजीनस। और होमोजीनस का मतलब होता है सेम, जो मतलब मिक्स होने के बाद भी यहाँ पे एकदम सेम बन जाए। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, होमोजीनस इट इज अ मिक्सचर वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? अगर मैं देखो यहाँ पे पानी और अल्कोहल को मिला रहा हूँ तो मेरा अल्कोहल और मेरा जो H2O वाटर है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, विच आर गोइंग टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर, है ना? जो चीजें मिक्स होने वाली होती हैं, जिनको हम मिक्स करके कुछ बनाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर होता है कि एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद तुम पता ही नहीं कर सकते कि मिक्सिंग हुई है कि नहीं, मतलब यूनिफॉर्मली प्रॉपर तरीके से मस्त उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे में बढ़िया सा घुल मिल जाते हैं। बट हेट्रोजीनस में घुलते मिलते ही नहीं है। अब आप ही बताओ, नमक और सैंड को मिलाओगे, मान लो NaCl और आपके पास सैंड है, दोनों को मिलाओगे तो ये क्या मिक्स होंगे? नहीं। बट अल्कोहल को आप और वाटर को मिलाओगे तो मिक्स हो जाएंगे। हेट्रोजीनस में क्या होता है कि मिक्सचर वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब है एक होना, कॉन्स्टेंट होना। तो अगर आप वाटर को अल्कोहल को मिलाते तो ये कॉन्स्टेंटली मिक्स हो जाते हैं, एक बन जाएंगे, दोनों मिलाओगे एक बन जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। बट हेट्रोजीनस में एक नहीं होते। आप अगर नमक को और सैंड को मिलाओगे तो कभी एक नहीं होंगे, ये अलग अलग रहेंगे, भले दिखेगा कि हाँ मिलाया है मिक्स है, बट वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा चार्ट दे के रखा है होमोजीनस का। होमोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मिलने के बाद पता नहीं चलता, फॉर एग्जांपल लाइक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। एंड हेट्रोजीनस में क्या होता है कि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनस में वन फेज होता है, होमोजीनस में क्या होता है जानते हो, एक फेज बन जाता है। कहने का मतलब क्या है एक फेज का, अगर अल्कोहल और वाटर को मिलाओगे तो मिलने के बाद ये एक ही लिक्विड ही बन जाएंगे ना, लेकिन अगर हेट्रोजीनस की बात की जाए तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा फेज बन जाते हैं, यानी कि सैंड और अगर आप नमक को मिलाते हो तो ये एक दो से अधिक फेज बन गया, एक सैंड का फेज और एक हमारा बन जाएगा किसका, हमारा जो हमारे पास सैंड के साथ आपने जो मिक्स किया नमक का, तो दोनों का ऐसे फेज बन जाता है। तो यहाँ पे दो फेजेस हैं। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार पानी को अल्कोहल में मिला है तो सेपरेट कर सकते हो क्या? करके दिखाना तो मानूंगा कुछ भी बात करते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हो, सैंड और अगर आप नमक को सेपरेट करना चाहो तो यू कैन डू यार, ठीक है। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद सेम बन जाता हो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मिक्सिंग करने के बाद वो डिफरेंट ही रहता हो। तो इसे कहते हैं होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए इसको आपको यहाँ पे समझ के रखना है, सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपसे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर लूँ जाते जाते, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर हम बाद में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैटर जो था वो क्या था, मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास,
वही मैटर है। मैटर किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैसियस हो, ये हम सब जानते हैं बचपन से, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारा मैटर है एग्जैक्टली वो कितने फेज में, ज्यादातर है अभी के लिए वो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फेज में है। अच्छा, कोई भी दुनिया की चीज, अगर मैं हूं अभी, मैं सॉलिड हूं, अगर मुझे बर्न कर दोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं मे बी मेरा कुछ बॉडी का पार्ट लिक्विड बन जाएगा और कुछ बॉडी का पार्ट उड़ के जल के धुआं में उड़ जाएगा, धुआं धुआं हो गया चारों तरफ ऐसा हो जाएगा पूरा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो एक बात क्या समझ में आई कि स्टेट्स ऑफ मैटर इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेशर अप्लाइड एंड द टेम्परेचर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट और दैट स्टेट। यानी कि अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, टेम्परेचर दूंगा तो गैस बन जाएगा। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अगर मेरे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, अभी वो कोल्ड टेम्परेचर में है, अगर उसको बहुत टेम्परेचर दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा। देखो, टेम्परेचर कोल्ड से हॉट की तरफ जा रहा हूं, तो कोल्ड से गर्मी की तरफ जाऊंगा तो हमारा आइस ठंडा होके लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड और ठंडा होके बादल बन गया, बादल बन गया, तारों के शहर में जाएंगे अभी, ठीक है? तो ये है हमारा बादल बन गया। तो अगर कोल्ड से आप हॉट करोगे तो टेम्परेचर बदलोगे ना, तो सारा स्टेट जो होता है मैटर का, स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये बदल जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान देना। चलो बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। यू कैन सी यार, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पार्टिकल्स है, भाई किधर गया, दिख जा मेरे को भी। देखो ये पार्टिकल्स जो है इस तरीके से कितने क्लोज है ना एक दूसरे के, इतने क्लोज है ना, इतने क्लोज तो दो लोग भी नहीं होते, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, दो लोग तो इतने क्लोज तो दो लोग भी नहीं होते, लेकिन देखो ये कितने क्लोज हैं, बहुत क्लोज हो चुके हैं ये, तो इतने क्लोज पार्टिकल होते हैं। इन पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? दो इंटरमोलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों बहुत ही क्लोजली बाउंडेड है ना एक दूसरे से सारे मॉलिक्यूल, इसका मतलब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। समझ में आए मेरी बातें? हाँ, चलो लिक्विड की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एज कंपेयर टू दिस, देखो ये कितने दूर दूर है, मतलब दूर दूर रहते हैं, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, तुम उधर रहो। देखो ये सॉलिड के कंपैरिजन में कितने दूर दूर है, बेचारों में कोई मतलब इनमें बेचारों में लव की बहुत कमी है, देख रहे हो कितने दूर दूर घूम रहे हैं, मतलब समझ रहे हो तो ये पानी है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग तो होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं होता, एयर के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहता है, और ये पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। ऐसे ही गैस की बात करूं तो ये बेचारे और दूर दूर, ये गैसेस में ना ऐसा ही होता है लड़कियों जैसे, एक उधर रहेगा तो एक उधर रहेगा, एक उधर रहेगा तो देख रहे हो पार्टिकल कैसा है, दूर दूर है। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स आर सो फार, मतलब बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तो बात ही क्या कहें, एकदम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है इन दी गैसेस। तो इस बात को आप सबको यहाँ पे समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, ठीक है? तो ये था स्टेट्स ऑफ मैटर, आई होप कि आपको समझा होगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप लोग को याद रखना है कि टेम्परेचर के साथ साथ सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे बदल जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से बदलता है। ये बात हमने ऑलरेडी बचपन में भी सीख रखी है, आपके बुक में भी ये देख रखा है, हालांकि इस डायग्राम के थ्रू आपके बुक में नहीं समझाया, बस स्टेट्स ऑफ मैटर थियोरेटिकल तरीके से लिखा था मैंने, उसको डायग्राम के साथ मस्त चमका दिया अच्छे से। तो मिलेंगे गाइस अब अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना मेरा, और इस वीडियो को प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप, फेसबुक में शेयर कर देना हर जगह, जिससे कि मुझे भी और वीडियो बनाने में इंथुजियाज्म हो, अंदर से खुशी मिले और मैं सबके लिए वीडियोस क्रिएट करूं। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इस आईडी पे, और आप इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, अगली वीडियो आएगी ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।